कर्नाटक में चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कई सारी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है। प्रत्याशियों के ऐलान में बीजेपी काफी पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन यह अकेला मौका नहीं है जहां बीजेपी पीछे है। इसके साथ साथ कुछ मामले और भी हैं जिसमें बीजेपी इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रही है। ये मामले उम्मीदवारों की लिस्ट के नहीं बल्कि उम्मीदवारों की सूची के आने के बाद के हैं, यानी कि ये वो मामले हैं जिन्हें उम्मीदवार बनने के बाद किसी भी नेता को जनता के बीच में जब वो जाएंगे तो उनका सामना करना पड़ सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के चार ऐसे विवादों की जिनका कर्नाटक के साथ साथ बाकी प्रदेशों, नीतियों या नेताओं से भी नाता है। और बीजेपी ने अगर चुनाव से पहले, मतदान से पहले खासतौर पर इन मामलों को नहीं सुलझाया तो ये होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के गले की फांस भी बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं इन चार मुद्दों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद की। कर्नाटक में महाराष्ट्र की सीमा से लगे इलाके के कई गांव ऐसे हैं जहां के लोग कन्नड़ नहीं बल्कि मराठी बोलते हैं। खास तौर पर कर्नाटक के बेलगामी, उत्तर कन्नड़ा, बीदर और गुलबर्गा जिलों के 814 गांवों में यह हाल है कि वहां के लोग राज्य की सीमा से संतुष्ट नहीं है। कर्नाटक के लोगों के लिए अपने राज्य के ये 814 गांव इतने संवेदनशील हैं कि कई बार इन चार जिलों में पथराव से लेकर हिंसक प्रदर्शन भी हो चुके हैं, क्योंकि वर्तमान में महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोग से शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार है। तो इस इलाके में रहने वाले लोगों का मानना है कि बीजेपी को महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डालकर इस इलाके से अपना हक छोड़ देना चाहिए। अपनी जमीन कहकर इस इलाके पर दावा करने वाले महाराष्ट्र के लिए भी ऐसा करना आसान नहीं है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक में जमीन किसकी, इस मामले पर बीजेपी के लिए कोई भी स्टैंड लेना आसान नहीं हो पा रहा। अब बीजेपी को चुनाव के दौरान इन सवालों का फिर से सामना करना पड़ा तो जवाब देना पार्टी प्रत्याशियों के लिए आसान नहीं होगा। दूसरा मामला है हिंदी विवाद। पिछले साल हिंदी दिवस पर कर्नाटक सरकार ने कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया था और तब से ही कर्नाटक में हिंदी विवाद ने जोर पकड़ लिया। कर्नाटक की विपक्षी पार्टियों ने सरकारी कार्यक्रमों का विरोध किया और ये कहा कि बीजेपी राज्य में जबरदस्ती हिंदी को थोपने की कोशिश कर रही है और ये हिंदी दिवस के कार्यक्रम उसी जबरदस्ती का एक हिस्सा हैं। इसके बाद एक ऑटो ड्राइवर का महिला सवारी से हिंदी बोलने को लेकर विवाद हुआ और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उस मामले में ऑटो ड्राइवर को महिला ने कहा कि आप हिंदी में बात करिए और ऑटो ड्राइवर ने कहा था कि वो हिंदी में जवाब क्यों दे। इसके बाद बारी आ गई भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के एक आदेश की, जिसमें दुग्ध संघों को खाद्य पैकेट पर हिंदी में भी लिखने का आदेश दिया गया, यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग होना चाहिए। कर्नाटक की विपक्षी पार्टियों और ढेर सारे संगठनों ने इसके बाद इसका विरोध किया और ये कहना शुरू किया कि बीजेपी जानबूझकर हिंदी लागू करने के सरकारी आदेश को जारी कर रही है। नंदिनी कर्नाटक का दुग्ध उत्पादों का ब्रांड है। इसे ऐसे समझिए जैसे मध्य प्रदेश के पास सांची है, उत्तर प्रदेश के पास पारस है, छत्तीसगढ़ के पास देवभोग है। हर राज्य में अपने अपने दुग्ध उत्पादों के ब्रांड होते हैं। कहीं लोगों का लगाव बेहद ज्यादा होता है तो कहीं कुछ कम होता है, लेकिन कन्नड़ लोगों के लिए नंदिनी एक ब्रांड से ज्यादा एक पहचान की बात है। लोगों को इसमें कन्नड़ संस्कृति की झलक दिखती है। जनवरी में एक रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कर्नाटक में नंदिनी और अमूल मिलकर एक साथ काम करेंगे और उसके बाद से ये चर्चा चलने लग गई कि क्या अमूल कर्नाटक में आएगा और अमूल की ताकत के सामने कहीं नंदिनी ब्रांड खत्म ना हो जाए। अब चुनावों के वक्त इसे मुद्दा बना लिया गया है। साफ है कि गुजरात का ब्रांड होने के कारण अमूल की आलोचना करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। उनके नेता भी इस बारे में खुलकर नहीं बोल पा रहे। वहीं कांग्रेस अमूल को गुजरात और केंद्र की सरकार से जोड़कर नंदिनी के वर्चस्व की लड़ाई का रूप इसे दे रही है। चौथा वो बड़ा मुद्दा जिसमें बीजेपी फंस गई तो चुनाव तक उसका जवाब देना मुश्किल होगा, और ये मुद्दा है आरक्षण विवाद। मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर राज्य में ध्रुवीकरण कर वोट पाने की कोशिश में जुटी बीजेपी आरक्षण की नीति से अब तक कई वर्गों को नाराज कर चुकी है। हाल ही में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आंतरिक आरक्षण के मुद्दे से नाराज एक संत ने मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई के क्षेत्र में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। कई लोगों का मानना है कि बीजेपी ने आरक्षण को चुनावी सफलता के लिए लाया था और इसी जल्दबाजी में पार्टी ने पूरी तैयारी नहीं की, जिससे वो ये आकलन नहीं कर पाई कि आखिर इस फैसले से जिनको लाभ मिलेगा। पार्टी ने सोचा वो तो वोट डालेंगे, लेकिन अगर इस फैसले से कोई नाराज होगा तो वो नाराजगी कितनी
नुकसान पार्टी को कर सकती है और कितना ज्यादा इसका असर चुनावों में होगा, शायद इसका आकलन करने में बीजेपी कहीं पीछे रह गई। तो ये चार विवाद ऐसे हैं जिसको समय रहते अगर बीजेपी ने नहीं सोचा कि किस तरीके से टैकल करना है, कैसे इनका सामना करना है, तो चुनावों में पार्टी के प्रत्याशियों को और पार्टी को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और इनमें कुछ मामले तो ऐसे हैं जिसमें केंद्र की नीति या फिर दूसरे राज्य की सरकारें शामिल हैं। अब इन मामलों पर बीजेपी के प्रत्याशी और स्थानीय नेता क्या बोलेंगे, ये तो जनता के सवालों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।